चटनी, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और जिसके बिना हमारा खाना अधूरा सा लगता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम चटनी बनाना सीखेंगे। तो आज हम ऐसी चटनी बनाएंगे जिसे बनाने का प्रोसेस तो बहुत छोटा सा है, पर आप जब उसे रोटी के साथ खाएंगे तो वो आपकी टेबल में मैजिक की तरह छा जाएगा। तो दोस्तों, आज हम पटल की चटनी बनाएंगे, वो भी आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पटल की चटनी बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 5 पटल, जिसे मैंने धो लिया है और पानी में भिगो के रखा है। तो अब हम इसे काटेंगे। तो पटल को आप दोनों सिरे से काट लें। पटल का दोनों सिरा क्यों काट रहे हैं, इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, इस तरह से सभी पटल को काट लें। तो मैंने यहाँ सभी पटल को काट लिया है। अब गैस ऑन करके लिट्टी बनाने वाला ग्रिल गैस के ऊपर रख दें। आप चाहे तो कोई भी तरह का ग्रिल यूज़ कर सकती हैं। तो अब पटल को एक एक करके ग्रिल के ऊपर रख दें। ग्रिल करते समय आप गैस के फ्लेम को मीडियम में रखें और पटल को चारों तरफ से घुमा घुमा के पका लें। आप इसमें चिमटे का यूज कर सकती हैं। पटल को चारों तरफ घुमा के पकाना होता है। आप इस बात का ध्यान रखें कि पटल चारों तरफ से पके। इसके लिए आप पटल को चारों तरफ से घुमा घुमा कर पकाएं। एक तरफ पटल के ज़्यादा जलाएं ना और एक तरफ कच्चा ना रख दें। लगभग 5 मिनट में सभी पटल पक जाएंगे। तो देखिए, पटल पक रहा है और पटल से भाप निकल रहा है, इसलिए मैंने पटल के दोनों सिरों से काट दिया था, नहीं तो पटल फट सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए, पटल पक चुका है और इसके चारों तरफ काला काला हो गया है। तो अब हम इसे एक एक करके गैस से उठा लेंगे। देखिए, इसके चारों तरफ ये पक चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है। कोई कोई हिस्सा हरा भी है, लेकिन वो अंदर से पक चुका है। अब हम पके हुए पटल के ऊपर एक गिलास ठंडा पानी डालेंगे, जिससे इसके काले छिलके अलग हो जाएंगे और पटल भी ठंडा हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इसके काले छिलके को हटा लेना है। तो काले छिलकों को ही आप हटा लें और ग्रीन हिस्से को रहने दें। इसी तरह सभी पटल के काले भाग को हटा देना है। एक दो जगह अगर काला हिस्सा रह जाए तो कोई बात नहीं, उसका एक अलग फ्लेवर आता है। तो अब सभी पटल को छील लिया है। सारे पटल छीलने के बाद एक एक करके पटल को पानी से निचोड़ के एक प्लेट में रख लें। अगर उसमें पानी रहेगा तो चटनी गीली हो सकती है, इसीलिए एक एक करके पटल को निचोड़ के उठा लें। तो अब हम पटल को काट के मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। इसमें हम बीज का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बीज का भी एक अलग टेस्ट आता है। पटल को काटने के बाद हम इसमें 10 से 12 लहसुन की कलियों को डाल देंगे। फिर हम इसमें 4 हरी मिर्ची डालेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर आधा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, फिर इसका ढक्कन बंद करके हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ इस बात का आप ध्यान दें, चटनी को लगभग 1 मिनट तक ग्राइंड करें। देखिए, चटनी तैयार हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। इसे हमने कम तेल, कुछ लहसुन और मिर्ची से बनाया है, फिर भी यह चटनी अपने टेस्ट में लाजवाब है और रोटी के साथ तो इसका जवाब ही नहीं। इस तरह से पकाने से इसका सारा गुण बरकरार रहता है, जो कि एक हरी सब्जी में पाया जाता है। अगर आप इसे मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो जरूर आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, वो है ये किसकी चटनी है। तो इसी तरह और एक आसान और मज़ेदार रेसिपी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।